गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आवर प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट्स एंड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. सो ऑन दैट क्लास वी हैव लर्न हाउ टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन and how to solve a numerical expression present in the form of brackets. So, dear student, today we are going to start a new chapter and the chapter name is Factor and Multiples. Okay, before start this chapter, let us know what is factor. What is multiples? To know this one, let us discuss about division. Okay, here is a number 20. इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से. इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से. Now this one is division. एंड ये क्या है, ये क्या है आपका डिविडेंड, ये डिवीजन है. ओके, नाउ अब इसको डिवाइड करेंगे 2 को 20 को 2 से डिवाइड करेंगे. हाउ मच दैट इज 10 में डिवाइड करने से क्या होगा, ये 20 होगा. अब 0 हो गया. अभी 0 के क्या बोला जाता है, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं. रिमाइंडर आपको इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं. ये सुनो, जिसको आप डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोला जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिविजर बोला जाता है, और जितना रिजल्ट निकलता है उसे बोलते हैं कोसेंट, और जितना बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर. ओके, सो यही इस डिवीजन से ही हम जाने कौन किसको फैक्टर बोलते हैं, किसको मल्टीपल बोलते हैं. तो इसको देखो अच्छे से, आपको जो चीज डिवाइड होता है, जो चीज डिवाइड होता है, जिससे डिवाइड होता है इसको बोला जाता है फैक्टर. अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कोई भी नंबर हो, अगर सपोज 20, अगर 25 भी है, कोई भी नंबर एक और दूसरा नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो जिस नंबर से वो डिवाइड होता है उस नंबर को बोलते हैं फैक्टर. यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है कौन, 20. तो इन दिस केस वी कैन से दैट इज दिस वन इज फैक्टर. ये 2 क्या है, फैक्टर बोल सकते हैं, जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं. और जो नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो जिससे डिवाइड हुआ उसको बोलेंगे फैक्टर. और जो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर कौन डिवाइड हो रहा है, 20 डिवाइड हो रहा है, तो इस 20 को बोला जाएगा मल्टीपुल्स. इसको और एक नाम क्या बोल सकते हैं, इसको हम मल्टीपुल्स भी बोल सकते हैं, मल्टीपुल्स. मतलब जो नंबर डिवाइड करेगा उसको बोलेंगे फैक्टर, और जो नंबर डिवाइड होगा उसको बोला जाएगा मल्टीपुल्स. यहाँ पर देखो 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फैक्टर. और कौन डिवाइड हो रहा है, 20 डिवाइड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे मल्टीपुल्स. सिंपल है, मतलब एक नंबर है सपोज 20, ठीक है, 20 2 से डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, 20 से डिवाइड होगा, तो इस सभी क्या है, उसका फैक्टर है. और मल्टीपुल्स कौन सा है, ये 20 है. जो चीज डिवाइड होता है उसको बोलते हैं मल्टीपुल्स, जिससे डिवाइड होगा, जिससे यहाँ पर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो इसको बोलेंगे फैक्टर. और जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं मल्टीपुल्स बोलते हैं. ओके, सो
आपको मालूम पड़ा किसको मल्टीपल, जो नंबर डिवाइड होता है उसको बोलेंगे मल्टीपल्स, और जो नंबर डिवाइड करता है उसको बोलते हैं फैक्टर। सिंपल थिंग। सो आफ्टर डिटेल ब्रेक वी विल लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ओके, वेलकम स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू। एग्जाम्पल, लुक दिस वन, एग्जाम्पल नंबर वन, वी नो दैट 5 divided 15 एग्जैक्टली। ओके, आपको 15 को हम 5 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इन दिस केस वी कैन से दैट 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15 बोल सकते हैं, देन एंड 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। जो 15 है वो कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो जाता है। इस केस हम क्या बोल सकते हैं, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15, ये सब लोग, एंड 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। ओके, नाउ देयर इज ए एग्जांपल नंबर 2, ऑल फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 to 4। हम आपको बोलेंगे कि 4 का फैक्टर्स लिखो, कितना फैक्टर है, किसके से डिवाइड हो सकता है। तो आपका 4, जो 4 है हम उसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 1 भी, ठीक है, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, वही फैक्टर हो सकता है। ओके, नाउ ओके, नाउ आपका 2 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कितना होगा 2 4 0। ये सुन लो, अभी इसको हम इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं आएगा। सो आपका जो 4 नंबर है 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, और खुद से भी डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है। इन दिस केस इसका कितना फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 1 2 4, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम इसको कितना फैक्टर बोल सकते हैं, इसका 3 फैक्टर है, कौन कौन सा फैक्टर है, 1 2 4। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 4, लाइक दैट वन। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 6, आपका 1 से 6 डिवाइड हो सकता है, 2 से भी 6 डिवाइड हो सकता है, 3 से भी 6 डिवाइड हो सकता है, और खुद 6 खुद से डिवाइड हो सकता है। ओके, सो इसका कितना तो फैक्टर है, 1 2 3 4, टोटल 4 तो फैक्टर है, किसका, 6 का। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 6। ओके, नाउ आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको 10 का फैक्टर लिखो, कितना तो फैक्टर है, तो 10 आपको 1 से भी डिवाइड होता है, 10 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 10 और खुद से भी डिवाइड होगा। तो आपका जो 10 है टोटल कितना फैक्टर हो गया, 4, 1 2 5, और खुद, तो वहां पर आप लिख सकते हो कि 10 हैज 4 फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज 1, सेकेंड वन इज 2, एंड थर्ड वन इज 5, एंड लास्ट वन इज इटसेल्फ, और खुद ही है, लाइक दैट वन। ओके, नाउ देयर इज एग्जांपल नंबर 3, लुक दिस वन, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4 8 12 16 एंड 20। ओके, आपको देखो मल्टीपल्स मतलब क्या है, आपका किस किस नंबर से किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है, जिस जिस नंबर को एक नंबर डिवाइड करेगा उस सभी नंबर क्या है उसका मल्टीपल है। एक नंबर है सपोज 2 है, सपोज आप यहाँ पर 4 है, सपोज 4, तो 4 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, रिमाइंडर आना नहीं चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, किस किस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, जिस जिस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा सभी नंबर उसका मल्टीपल्स है। तो आपको यहाँ पर देखो 4, आपका 4, 4 को 4 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, देखो 1 0, वहीं पर 8 को भी 4 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, जीरो, 12 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, देखते हैं 12 divided by 4, 0, 16 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 4, देखते हैं यहाँ पर 16 divided by 4, कितना हुआ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 20 भी कंप्लीटली डिवाइड होगा 4 से, 5,
जीरो। तो ये आपको देखो फास्ट जो पांच टू नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड हो गए किससे, फोर से। क्या क्या नंबर है, फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेल्व, ये पांचों ही क्या है फोर का मल्टीपल्स है। अभी पांचों का ये फोर क्या है फैक्टर है। ओके दैट इज अनदर अनदर दैट इज बिट नंबर फाइव, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ फाइव आर फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव। ये पांचों नंबर जो फर्स्ट है जो पांच से डिवाइड हो सकते हैं, और ये सब पांचों क्या है इसका मल्टीपल्स है, और ये फाइव क्या है उसका फैक्टर है। सो आपको अगर पूछा जाएगा कि राइट फाइव मल्टीपल्स ऑफ टू, तो क्या करोगे, जिस जिस नंबर को जो पहले पहले जिस जिस नंबर को डिवाइड करेगा दो वो लिखना। आपको अगर लिखना लिखने के बोले राइट फाइव मल्टीपल्स ऑफ टू, तो उसका फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स क्या है, खुद टू खुद ही है। फिर फोर भी को भी डिवाइड कर सकता है, सिक्स को भी डिवाइड कर सकता है, एट को भी डिवाइड कर सकता है, तो टेन को भी डिवाइड कर सकता है। तो उसका फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स क्या होगा, खुद है फोर एट सिक्स टेन, अब लिख सकते हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल फाइव टू, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ टू दिस दिस वन। ओके तो आपको अगर फैक्टर्स एक नंबर का फैक्टर्स लिखने के लिए बोलेगा तो आप लिख सकते हो, फिर एक फैक्टर का मल्टीपल्स लिखने के लिए बोला जाएगा तब भी आप लिख सकते हो। ये चीज़ इजी है। ओके सो द स्टूडेंट विल कंटिन्यू दिस वन आफ्टर ए लिटिल टाइम। वेलकम स्टूडेंट, लेट अस लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, लेट अस नाउ लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स दैट इज वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सभी नंबर का वन क्या है फैक्टर। देखो अगर हर कोई नंबर वन से डिवाइड होता है, हर कोई नंबर वन से डिवाइड होगा, टू भी वन से डिवाइड होगा, थ्री भी डिवाइड होगा, फोर भी डिवाइड होगा, हर कोई नंबर कोई भी नंबर हो वो वन से डिवाइड होता है। सो वी कैन से दैट वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एक सभी नंबर का फैक्टर है। सेकेंड प्रॉपर्टीज दैट इज एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ओन सेल्फ इटसेल्फ, सभी नंबर खुद का एक फैक्टर है। जैसे कि टू अपना खुद का फैक्टर है क्योंकि दो दो से डिवाइड हो सकता है, फाइव खुद का एक फैक्टर है, फाइव फाइव का खुद का डेवल एक फैक्टर है क्योंकि फाइव फाइव से डिवाइड होता है, सिक्स का खुद का सिक्स खुद एक फैक्टर है, खुद का सिक्स सिक्स से डिवाइड हो सकता है। सो एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सभी नंबर खुद का खुद ही एक फैक्टर है खुद का। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज ए फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज ए लेस देन और इक्वल टू द नंबर्स, ए फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज ए लेस देन और इक्वल टू द नंबर्स। ओके कोई भी नंबर हो, इफ एनी नंबर दैट मीन एनी नंबर कोई भी नंबर है उसका जो फैक्टर है दैट मे बी इक्वल टू द गिवन नंबर और लेस देन द गिवन नंबर, कोई भी नंबर है उसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो वो फैक्टर उस नंबर से छोटा होगा, छोटा नंबर होगा या फिर उससे इक्वल होगा, दैट इज अ थर्ड प्रॉपर्टी। ओके देन फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, वन इज द ओनली नंबर हैविंग वन फैक्टर नेमली इटसेल्फ, दैट इज ए ओनली वन नंबर दैट इज वन, दैट इज ए वन नंबर दैट इज वन जिसका एक ही फैक्टर है। सर जितना भी नंबर है दैट मे बी टू थ्री फोर एवरी नंबर सभी का एक वन और वन से ज़्यादा फैक्टर्स है, लेकिन सिर्फ एक नंबर है जो एक ही फैक्टर होता है उसका, वो है वन। एक नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है और एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, वो क्या है वन है, वो नंबर का नाम है दैट इज द वन। और जितना भी नंबर है दैट मे बी टू थ्री फोर फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटीन एवरी नंबर सभी का एक से ज्यादा फैक्टर। ओके ना कम द फिफ्थ प्रॉपर्टीज दैट इज एवरी नॉन जीरो नंबर्स अदर देन वन हैज एटलीस्ट टू फैक्टर्स नेमली वन एंड इटसेल्फ। ओके देयर इज अनदर प्रॉपर्टीज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट इज एवरी नंबर हैज मोर देन वन फैक्टर,
एक्सेप्ट वन, सभी नंबर का एक से ज्यादा फैक्टर होता है, सिर्फ एक को छोड़ के। सपोज 2, 3, 4 ले लो, उस फास्ट तो हो गया। सपोज आप कोई भी नंबर 4 15 ले लो, अब 4 ले लो, 4 का फैक्टर क्या है? फास्ट होगा तो 1 होगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो फास्ट तो उसका फैक्टर होगा 1। सेकेंड, एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, सभी नंबर खुद का एक प्रॉपर्टी, खुद का फैक्टर है सभी नंबर, तो ये खुद ही एक फैक्टर है खुद का, तो दो फैक्टर तो हो गया ना। सो सिर्फ 1 को छोड़ दिया जाए तो जितना भी नंबर है सबका 2 फैक्टर है, सभी नॉन जीरो का। पहला फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकंड वन इज ऑन सेल्फ, और भी ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकता है, जैसे कि आप 4 का 1, 4 और 2 भी आएगा, लेकिन एटलीस्ट 2 फैक्टर उसका जरूरी होगा, सिर्फ एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, 1 का सिर्फ 1 ही होता है। जो भी दूसरा नंबर नंबर नॉन जीरो कोई भी नंबर हो उसका एटलीस्ट 2 फैक्टर होगा, फर्स्ट खुद और दूसरा 1, और बीच में और दूसरा फैक्टर आएंगे, बट एटलीस्ट 2 फैक्टर मोस्टली रहेगा। ओके, नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एवरी नॉन जीरो इज ए फैक्टर ऑफ 0। दिस इज वेरी डिफरेंट वन, एवरी नॉन जीरो इज ए फैक्टर ऑफ 0। 0 जितना भी नंबर है सभी 0 का फैक्टर है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, मीन्स एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 0। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। ओके, आफ्टर अ लिटिल ब्रेक वी विल कंटिन्यू द मल्टीपल्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। ओके।